हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम्स लाइब्रेरी। फ्रेंड्स, इस कंटेंट के माध्यम से मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के सोर्स क्या रहे हैं उनका जिक्र करने जा रहा हूँ। किस प्रिंसिपल को दोस्तों हमने कहाँ से बोरो किया है, कौन सा सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है। फ्रेंड्स, याद रखना, हमने सिर्फ दोस्तों प्रिंसिपल्स को बाहर से बोरो किया है, उसको कॉपी पेस्ट नहीं किया है, बल्कि भारत के संविधान में मॉडिफाई करके लिखा है। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल्स को लिया है बाहर से, लेकिन जो प्रोसीजर है वो भारतीयों का अपना है। किस किस कंट्री से लिया है, तो दोस्तों प्रिंसिपल्स हमने लिए 11 कंट्रीज से। मोस्टली बुक्स पे आपको 10 नेशन ही देखने को मिलेंगे। जो 11th नेशन है दोस्तों, उसको स्किप किया गया है मोस्टली बुक्स में, वो है स्वीडन। 11th नेशन कौन सी है दोस्तों? स्वीडन, जिसको मोस्टली बुक्स में स्किप किया गया है। फ्रेंड्स, स्वीडन से ही यूपीएससी में रिसेंटली क्वेश्चन पूछा भी गया है, और उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दोस्तों मैं आपको एंड पे शेयर करूंगा कि क्वेश्चन किस तरह पूछा गया है। बाकी जो 10 कंट्रीज है वो कौन कौन सी हैं? यूके, यूएसए, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, आयरलैंड और कनाडा। यहाँ से हमने डिफरेंट प्रिंसिपल्स को बोरो किया है। और फ्रेंड्स, कुछ प्रिंसिपल्स को हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। वह कौन कौन से हैं? फर्स्ट है फेडरल स्कीम। फ्रेंड्स, सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया लिया है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन याद रखना फ्रेंड्स, फेडरेशन, फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट, यह कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। फेडरल स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट, यह कंसेप्ट कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑफिस ऑफ द गवर्नर, या फिर जो पद या पोस्ट ऑफ द गवर्नर, वो कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। लेकिन फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर को अपॉइंट किस तरह किया गया जाएगा, कौन अपॉइंट करेगा, उस कॉन्सेप्ट को, उस आइडिया को हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। एमरजेंसी प्रोविजन को हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, वह जर्मनी से लिया है, और जो फंडामेंटल राइट्स का मतलब कॉन्सेप्ट है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जिनको यूएस में किस नाम से जाना जाता है? बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। जुडिशरी भी दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। पीएससी का कॉन्सेप्ट, पीएससी का आइडिया, चाहे वो यूपीएससी हो या एसपीएससी हो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट भी दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। टोटल कितने लिए हैं? तो 5 लिए हैं। फ्रेंड्स, कंट्रीज में हम जानते हैं सबसे पहले यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सा सिद्धांत लिया है। फंडामेंटल राइट्स, जिनको यूएस में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। जुडिशियल रिव्यू, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया, इम्पैचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पैचमेंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रिमूवल, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट का आइडिया भी हमने कहाँ से लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लेकिन दोस्तों, पोस्ट ऑफ नॉमिनल हेड, पोस्ट ऑफ नॉमिनल हेड दैट इज प्रेसिडेंट, ये आइडिया हमने कहाँ से लिया है? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रिमूवल ऑफ जजेस, चाहे वह हाई कोर्ट का जज हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ये आइडिया हमने कहाँ से लिया? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रीएम्बल का आइडिया भी दोस्तों यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है, लेकिन प्रीएम्बल की लैंग्वेज को ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इंडिपेंडेंस जुडिशरी, दोस्तों जुडिशरी का कॉन्सेप्ट तो हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये सिद्धांत लिया गया है। लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये आइडिया कहाँ से लिया गया? तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आप सबको पता है जो प्रेसिडेंट है भारत का, वो क्या होता है दोस्तों? सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आइडिया है, ये कहाँ से बोरो किया गया? तो दोस्तों यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को लिया है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से दोस्तों? जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया लिया है दोस्तों जापान के संविधान से, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रेंड्स, आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे।
अगर जनरली देखा जाए तो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समझने का कुछ भी नहीं है, ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, जहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने किस किस सिद्धांत को लिया है दोस्तों? सबसे पहले कंकरेंट लिस्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, प्रियम्बल की लैंग्वेज और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये प्रिंसिपल्स हमने बोरो किए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट का आइडिया लिया गया दोस्तों कहाँ से? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का आइडिया भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो ये लिए गए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन आयरलैंड ने खुद कहाँ से ओरिजिनली बोरो किए हैं? तो स्पेन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयरलैंड ने दोस्तों खुद डीपीएसपी को कहाँ से बोरो किया? तो स्पेन से बोरो किया है। साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों जो भी चेंजिंग की जाती है वो आइडिया हमने लिया साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, जो राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है दोस्तों, उस प्रिंसिपल को भी हमने बोरो किया है साउथ अफ्रीका के ही कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 ईयर प्लान और आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमने कहाँ से बोरो किए हैं? तो ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। नेक्स्ट है कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा से दोस्तों हमने क्या क्या लिया है? फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये आइडिया हमने लिया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन दोस्तों फेडरेशन स्कीम, सेपरेशन ऑफ पावर्स, वो आइडिया हमने लिया कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये आइडिया भी कहाँ से लिया गया? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, दोस्तों अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये आइडिया हमने लिया कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन अगर ऑफिस ऑफ द गवर्नर की बात की जाए तो वो आइडिया हमने लिया कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, ये जो वर्ड्स हैं ना दोस्तों, ये हमने लिए हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रेंड्स नेक्स्ट जानते हैं वह क्वेश्चन जो यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, जो मोस्टली दोस्तों स्किप किया गया है। 11th कंट्री को स्किप किया गया और 11th कंट्री वो है स्वीडन। अब जानते हैं हम इसके बारे में क्वेश्चन किस तरह पूछा गया है। फ्रेंड्स क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा गया था, क्वेश्चन था लोकपाल जो सिद्धांत है उसको कहाँ से लिया गया है? फ्रेंड्स पूछा गया था क्वेश्चन लोकपाल जो सिद्धांत है उसको कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन में था स्कैंडिनेविया। फ्रेंड्स ये एक रीजन है यूरोप में, ये एक रीजन है यूरोप में जिसमें स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड कंट्रीज इंक्लूड होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये कंट्रीज एक भी ऑप्शन में नहीं थी, ऑप्शन में था स्कैंडिनेविया। तो ये जो लोकपाल प्रिंसिपल है ये बोरो किया गया है स्वीडन से, जो दोस्तों लाई करता है स्कैंडिनेविया रीजन में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, इसका मैं आखिर में दोस्तों स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स आखिर में हम जानते हैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से प्रिंसिपल्स बोरो किए हैं। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पोस्ट ऑफ नॉमिनल हेड, दैट इज प्रेसिडेंट। पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, पोस्ट ऑफ सीएजी, कंट्रोलर एडिटर जनरल, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल एजी की पोस्ट का जो प्रिंसिपल है दोस्तों सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आइडिया भी यूके के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लोकसभा मोर पावरफुल, लोकसभा मोर पावरफुल। दोस्तों ये जो आइडिया है, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, ये भी यूके के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रिट्स, दोस्तों
ये सब प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए गए हैं, तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे प्रीएम्बल के बारे में। फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को पीडीएफ की नीड है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तो फ्रेंड्स वह मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पे दोस्तों फॉलो करके मैसेज कर सकता है, वहाँ पे उसको पीडीएफ भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।